मैं भी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सादरा विधानसभा में मौजूद हूँ। 2025 में चुनाव है और यहाँ की जो सादरा विधानसभा है यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी से है और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो 2025 में चुनाव है और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक जी ने कितना कार्य किया है। ये जो है हवा हवाई ही बात हुई है, हम चुनेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में चुनाव है और जो है विधायक आम आदमी पार्टी के है, जिन संकल्पों के साथ में वो खड़े उतरे थे क्या वो जो है अपने संकल्प को पूरा कर पाए हैं, इसी को लेकर जो हम आज विधानसभा में लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना कार्य हुआ है। जनता लेकर सकता थोड़ा सा विजुअल दिखाए, ऐसा जो है रेलवे स्टेशन है लेकिन यहीं से शुरुआत होता है आगरा विधानसभा का। तो हम चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें 5 सालों में कितना कार्य हुआ। हमारे साथ इसी विधानसभा के अंकल है बातचीत करने के लिए, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि 2025 में चुनाव है दिल्ली में, विधायक आम आदमी पार्टी के यहाँ के हैं और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अंकल जी क्या लगता है 2025 में चुनाव है और जिस संकल्प के साथ में आम आदमी पार्टी के जो है विधायक यहाँ से जीते हैं, कार्य कुछ हुआ या फिर हवा हवाई बातें ही रह गई? कार्य तो काफी कुछ हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, ऐसी बात हुई है, आम आदमी पार्टी ने काफी कुछ किया है लेकिन अब उनको करने के लिए जो सा है राज्य सरकार मौका नहीं देती और उससे सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारी जनता की, जनता उनका सहयोग नहीं कर पा रही और जनता के पास सबसे बड़ा उनका जो बल है एक वोट है, चाहे वो एक गरीब का हो चाहे एक अमीर का हो, उसके जरिए वो उनको अपनी एकता दिखा सकती है। हाँ, कुल मिला के जो है काम किया है लेकिन अगर देखा जाए तो आपका कहना है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है? नहीं देखो, अब एक दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बावजूद, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी और राज्य का होता तो हम एक बार समझ सकते हैं लेकिन दिल्ली जिसे केंद्र की राजधानी कहा जाता है, देश की राजधानी कहा जाता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बाद में उनको जो सा है अपना चाहे कोई भी केस उन्होंने बनाया या जैसे भी किया, आज वो अपना तिहाड़ जेल के अंदर बंद है लेकिन ये चीज गलत है क्योंकि देखो वो तो अब वो घोटाले की बात है, विकास हुआ, जिस विकास के साथ में विधायक जी आए थे कि भैया हम जो है हमको वोट दीजिए और हम आपके क्षेत्र में विकास करेंगे, तो क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास हुआ? आप तो काफी जो है सज्जन व्यक्ति लगते हैं और काफी आप जानकार हैं, तो क्या लगता है कि विधानसभा में आपकी विधानसभा में विकास हुआ कि बस हवा हवाई बातें ही रह गए, कागजों में रहकर ही जो सिमट गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जो अपना कोई भी वादा किया वो अपना वादा उन्होंने पूरा किया है, विधायक जी ने कार्य किया है। तो 2025 में फिर से उम्मीद है उनकी जीतने की? बाकी देखो ये तो मतदाता की अपनी अपनी वो चीजें हैं, सबका अपना वो है, अब वो तो विचार है। हाँ भाई, जो संकल्प लिए थे संकल्प के साथ खड़े उतर रहे हैं, अब वो तो जनता के ऊपर है, ठीक है। आपका कहना है कि जनता के जो जनता ही उस पर विचार करेगी। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर यहाँ पे 2025 में चुनाव भी है और विधायक के यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक है और राज्य सरकार में जो है आपको पता है कि केजरीवाल जी मुखिया है, जेल में है, मंत्री भी कुछ जेल में है, फिलहाल उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो जनता जो है 2025 में ही पता चलेगा। फिलहाल विकास कितना हुआ इस विधानसभा में मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, आपकी विधानसभा में कितना कार्य हुआ? अभी 2025 में चुनाव है जनवरी में और विधायक जी आम आदमी पार्टी के हैं, राज्य सरकार जानते हो कि केजरीवाल जी है, तो कुछ कार्य हुआ या फिर हवा हवाई ही रह गया? की हाँ, जो विधायक जी हमारे जो हैं, जो बोले हैं वो कार्य किए हैं और करते भी हैं और आगे की और देश जो है कर रहे हैं उसकी निगरानी है, जो काम है बच्चे खुचे हैं छोटे बड़े सब करते जा रहे हैं और करेंगे, और हमारे जो जनता है उनकी चाहत होगी तो आगे की हौसला भी होगी, आगे के काम भी देंगे, आगे के वोट भी देंगे, उनके काम अच्छे करेंगे तो बराबर भी होगा। सही बात, काम उनको अच्छा करना चाहिए, इनका कहना है कि काम अच्छे करते रहिए, काम अभी कर ही रहे हो इसको लगातार कंटिन्यू जो है काम करते रहिए। ये आम आदमी पार्टी के विधायक है यहाँ के और उस विधानसभा के जनता है और इनका नाम मनीष जी है, इनका कहना है कि काम अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे तो उनको जो है चुनाव रहेगी, अपना काम करते रहेंगे तो जनता के दिल जीतते रहेंगे तो जनता भी अपना। दादाजी हमारे साथ में है, विधायक जी ने कुछ कार्य किया है, ठीक ठाक 5 साल पूरे होने को है?
विधायक जी कार्य किए? अच्छा, इनका अभी जो है बोलने के लिए जो है तैयार नहीं है, कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादाजी बातचीत करेंगे अब? नहीं दादाजी, अभी देखो डर है, इनका कहना है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हैं, इसी में से जो है कुछ चीजें लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है 2000, देखिए अंकल जी खड़े हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा कि जो है हमारे साथ में एक और अंकल हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 विधानसभा चुनाव में इस सहादरा विधानसभा चुनाव से विधानसभा से किसको अपना विधायक चुन के जो है विधानसभा पहुंचाते हैं और कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ पे। अंकल जी क्या नाम है अपना? मेरा नाम विनोद शर्मा है और मेरे विचार से क्या जो हम देख रहे हैं, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ कोई कार्य नहीं किया गया। अच्छा, मतलब जो है अभी 5 साल पूरे होने को है, 2-4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, 3 जनवरी में चुनाव है, अभी कुछ कार्य नहीं हुआ? कोई कार्य नहीं, भाषण में स्टेज पे सब बहुत कार्य दिखाते हैं, बताते हैं, तरातल पे जो आदमी वहन करता है, जो देखता है, जो गुजरता है, उनके लिए कोई कार्य नहीं। हाँ, कुल मिलाकर कहना है कि कागजों में ही सारी चीजें सिमट कर रह गई है, धरातल पे उतर ही नहीं रही। स्टेज पे आपको ऐसी ऐसी बातें, ऐसे 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 वायदे कि पब्लिक जो है ना गदगद हो जाती है और भोली भाली जनता को बैठा के उनका वोट हासिल करके मिलता कुछ नहीं। हाँ, बस उनके साथ में एक छलावा हो जाता है, छलावा, खाली छलावा। जिस तरीके से इसके अंदर कोई भी पार्टी ले लो, मैं किसी पार्टी की, विशेष किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी ले लो, कांग्रेस ले लो, भारतीय जनता पार्टी ले लो, सिर्फ क्या है, मुंह के शब्द ऐसे हैं हिमालय पर्वत से ऊंचे, पर कार्य ऐसे हैं जैसे मतलब गहरा गड्ढा। हाँ, की बात करेंगे बड़ी बड़ी, हकीकत में कुछ नहीं है। आपको यकीन ना हो, मेरे क्षेत्र में चलो, मैं आपको दिखाता हूँ नालियों की, सड़कों की, इसके अलावा सफाई की क्या व्यवस्था है। हाँ, बुरी जो दिखता है वो दिखता है, कह के सब चले जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी, कोई भी शब्द इनका सच नहीं, कोई भी शब्द सच नहीं। हाँ, कुल मिला के बस जो है हवा हवाई बातें रह जा रही है। तो जिस तरीके से ये माहौल है अभी, देखा जाए मुख्यमंत्री जी जेल में है, उनके कुछ मंत्री भी जेल में हैं, तो इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ सकता है क्या? देखो, प्रभाव तो खैर इन चीजों को कुछ नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है कार्य से, प्रभाव पड़ता है उनकी कार्यशैली से। एक तरफ कहते हैं कि मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, मुफ्त उपचार, मुफ्त बस भी और मुफ्त बस भी। अब आप मेरे साथ चलो, कौन से हॉस्पिटल में आप जाना चाहेंगे, वहां की व्यवस्था मैं ऐसे दिखाता हूँ, जो 5 पैसे की 10 पैसे की दवाइयां हैं वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके बाद जो महंगी दवाइयां हैं उस पर टिक मार कर देंगे ये हमारे पास नहीं है। ये मैं आपको, मेरे साथ चलो, वहां के जो मेडिसिन सुपरिंटेंडेंट है, मेरी उनसे एक बार इस मामले में झड़प भी हुई है, और झड़प होने के बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में ले गए, अपने रूम में ले गए, 1005 उनका रूम है, ठीक है जी। और उस सुपरिंटेंडेंट ने मुझे ये कहा, कहले जी आप अपने तक सीमित रखो, आपकी दवाइयां उपलब्ध मिलेंगी, आप मुझे फोन करके आ जाना, आपकी दवाइयां यहाँ रखी मिलेगी। क्या हर व्यक्ति जो काम मैंने करा, ये क्या उसी कार्यशैली से गुजर के ये दवाइयां उपलब्ध करेगा? एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है आपका कि भाई देखो, जिस तरीके से मेरे अंदर क्षमता थी मैं वहां जाके कर लिया हूँ, प्राप्त कर लिया हूँ, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, की गई, वो क्या उनको भी इससे जो है लगना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। अच्छा, दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको, आज की तारीख में जितने मेडिकल स्टोर है जो फल फूल रहे हैं, वो सिर्फ हॉस्पिटलों की लापरवाही की वजह से फल फूल रहे हैं, और कोई भी काम बिल्कुल नजर नहीं आता सिवाय मेडिकल स्टोर। क्यों? हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध नहीं है, जो इलाज कराना है तो दवाइयां तो लेनी ही पड़ेंगी,
खाने के लिए दवाइयां खरीदनी पड़ेगी। एक बार के लिए आपके घर पे राशन है, रोटी है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दवाई जरूर थी। अब ये लोग क्या कहते हैं, मोदी जी ने अभी एक योजना बनाई थी, उसकी क्या बोलते हैं इसको, जिसमें 5 लाख का इलाज आपको फ्री मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना। अब केजरीवाल साहब क्या कहते हैं, कहते हैं जी हमें जब इस योजना की हमारे दिल्ली में आवश्यकता ही नहीं है। अब इनसे ये पूछा जाए, आवश्यकता किस आदमी को नहीं है जो 5 लाख का इलाज ना कराना चाहता, वो भी मुफ्त में, फ्री में और बढ़िया बढ़िया से हो, इस स्कीम पे क्यों रोक लगाई जा रही है? चलो आप रोक भी लगा रहे हैं, मानते हैं रोक लगाओ, लेकिन दवाई तो उपलब्ध कराओ, पब्लिक को इलाज तो दो। एक छोटा सा हॉस्पिटल है हाड़ का, हाड़ आदमी के शरीर का मुख्य अंग है, यदि वो आपका डिस्टर्ब है, खराब है, और उसके बिना आप उसे चेंज नहीं करा सकते, उसके बिना आपकी लाइफ खत्म है। वहां जाके आप देखिए हाड़ की कितनी दवाइयां उपलब्ध होती है। 11 दवाइयां लिखेंगे, 11 में से 3 दवाइयां आपको मिलेगी जिसकी मेडिकल स्टोर पे कॉस्ट सिर्फ 25 पैसे प्रति गोली की है। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अंकल, आप सुनिए इस चीज को। नंबर एक। नंबर दो, जो महंगी दवाइयां हैं उन पे कांटा मार के आपके हाथ में पर्चा दे दिया जाता है। आप अगर आप उनसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करके देख लो आप जाके ये माइक लेके ये अपने आप को प्रेस से नसंद बना के आप एक आम आदमी की तरफ जाके देखो, आपका कितना दुर्लभ, दो दो घंटे वेट कराते हैं दवाइयां देने में। डॉक्टरों की इतनी बुरी हालत है, पेशेंट को चेक नहीं करेंगे, उसकी कंडीशन नहीं देखेंगे, सिर्फ पर्चा उठाएंगे, डेट दे देंगे, दवाइयां लिख देंगे, छुट्टी। हाँ, तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमें लगता है कि 2025 में चुनाव में फर्क पड़ेगा। ये बिल्कुल पड़ना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, शासक अच्छा चाहिए। हमें अपनी भलाई के लिए हमें शासक अच्छा चाहिए, हमें वादे नहीं चाहिए, हमें धरातल पे काम चाहिए। तो अंकल जी ने कहा कि हमें हमारी हम लोगों की भलाई के लिए हमें शासक अच्छा होना चाहिए, हमें धरातल पे काम होना चाहिए और जो काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, ऐसा इनका कहना है। हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा में कितना कार्य हुआ, विधायक जी अपने संकल्पों पे खड़े उतरे या फिर हवाई रहेंगे। बिल्कुल। शाहदरा विधानसभा से अंकल जी हमारे साथ में है और हम अभी जो ये रिपोर्टिंग है ये शाहदरा विधानसभा के पार्क में ही हो रही है और हमने सोचा कि पार्क में कुछ जो है सज्जन व्यक्ति आएंगे, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और इनको पता भी है कि हाँ विधानसभा में कितना कार्य हुआ। अंकल जी हमारे साथ में बातचीत करेंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। अभी जिस संकल्प के साथ में विधायक जी यहाँ पे चुने गए थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि हम आपके विधानसभा में कार्य कराएंगे, 5 साल पूरे हो चुके हैं, 2025 में चुनाव है, 2 महीना बाद आचार संहिता लग जाएगा, तो कितना कार्य हुआ, अपने संकल्पों पे खरा उतर पाए हो? बड़ा फल है आप विधायक के धक्के खाते रहे, 1 साल साइन कराने में भी पसीने छूटते हैं, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है, आधार कार्ड ला बोला, यानी साले साइन कराने में भी दस चक्कर लगाते हैं, वोट के टाइम अपना घर छूते बाद में आते हैं कि भैया 5 साल हम तुम्हारे धक्के खाओ, हमारे अब 5 दिन तुम्हारे खाएंगे हम, बापू जी, ताऊ जी, चाचा जी, वोट दो, अब 5 साल हमसे पीछे पीछे डालो, ये हो रहा। तो जिस तरीके से माहौल है, समस्याएं हैं और विकास भी जैसा कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि जो है हमने जो है वो बस महिलाओं के लिए फ्री हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, बिजली हो, पानी चीज है, मोहल्ला है, फ्री वाली रणनीति से क्या लगता है? ये भाई है आप जो नौशहरा में चले जाओ वो सारी 1-1 रुपए की गोली मिल जाएगी, जो महंगी दवाई होगी उसे पर्चा लिख कर दे देंगे, कम से नहीं मिल जाएगा। फिर क्या सुन लेता है, केजरीवाल ने कलाम मैं मानता हूँ मगर सवाई द्वार का उसका फायदा तो कुछ नहीं है, वो जो सस्ती दवाइयाँ वो दे देते हैं, महंगी दवाइयों को पर्चा नहीं देते, आप जाकर बाजार चले जाओ, क्या बात, यही बात ये इतना बड़ा पार्क है इसमें सारे में एक माली तक तो है। अच्छा, इस पार्क में बड़ा सुसज्जित किए हैं, हरियाली तो छाई हुई है
अभी लग रहा है यहाँ मालिक नहीं है कोई, है बारिश वगैरह हो रही है। अब बारिश में तो सूखे पेड़ भी हरे हो जाते हैं, अब ये मान के चलो। वैसे यहाँ कोई माली नाम का नाम नहीं था, सामने निगम परिषद बैठा संगत लोचा, इनका फर्ज नहीं बनता कि मैं यहाँ एक माले बैठा। सब हवा कागजों में सारी चीजें सिमट कर रही सब आ गए कागजों में, मैं आम आदमी कुछ नहीं मिल रहा। तो अंकल जी क्या लगता है 2025 में फिर यही चुने जाएंगे या कोई और आएगा? देखो जी पब्लिक है बेड़ा चाल चाल, आज का जो है जो एक तरफ को भाग गया सब उसके पीछे पीछे भाग गया। सवाल इस बात का चाहे बीजेपी हो चाहे आप पार्टी हो, या आप पार्टी वाले कुछ काम तो कर रहे हैं मगर बीजेपी वाले बिल्कुल डंडे बजा रहे हैं। अच्छा बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं? हाँ मोदी के बाद बिलीफ केस लेके बंदे तुम्हारे सुनेगा, हम आज बिलीफ केस लेके पहुंचा तुम्हारे सुनेगा नहीं सुनेगा। अच्छा और भी हमारे साथ में है और इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना हुआ इनके यहाँ विधानसभा में, कितना कार्य विधायक जी ने करवाया है। अंकल जी क्या हाल चाल है? अच्छा तो थोड़ा सा आप इसके बैठे हो बीच में तो आपसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? दर्शन लाल शर्मा। शर्मा जी अभी आपके विधानसभा में कितना कार्य हुआ, 5 साल पूरे होने को है, विधायक जी संकल्पों के साथ में जीते थे और जो है अब चुनाव है 25 जनवरी में, मुख्यमंत्री भी जी जो है यही से है, और क्या लगता है कि कार्य हुआ या फिर ऐसे ही हवा ही रहेगा? सड़क कैसी है? हाँ, मैं उसे खराब है पूछने वाली बात और भाई घरेलू की बात। हाँ जो घरेलू महिला है वो कौन सा रोइंग बस में जा रही है, सैलरी वाली जा रही है जिनकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है, वो तो यहाँ से नहीं मिलेगी, लक्ष्मी नगर से मिलेगी, लक्ष्मी नगर से लाइटों से मिलेगी, उनको पहला हो रहा है भाई। घरेलू औरतें तो रोजाना निकलती नहीं है, ये तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं है। अब तो कुछ जेल में पड़े हैं वो, अब आप बताओ। उनके मंत्री भी हैं साथ में? हाँ जी उनके मंत्री भी हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है 2 साल से पड़े सत्येंद्र जैन, मगर कोई वो नहीं है। कौन सी सरकार आए कौन सी ना आए, पब्लिक को तो चाहिए काम। मोहल्ला क्लिनिक कहीं ना कहीं फायदा दिया लोगों को, तो फायदा भी है। अब जो महंगी दवाई है वो तो मिलती नहीं है, टेस्टिंग हो रही है दवाई मिलती है, ऐसी बात नहीं, डॉक्टर तो फीस कम हुई हुई है। अच्छा तो कुछ कार्य जो है बेहतर करवाए हैं, लेकिन क्या लगता है दोबारा जनता फिर इनको चुनेगी? मुश्किल है, कारण है उसका कि अच्छा ये दोषी है या नहीं है ये तो कोर्ट साबित करेगा, मगर अब तो जेल में पड़े हैं, पब्लिक को दिख रहा है इन्होंने घपले दिए, चेक करे हैं नहीं करे हैं ये तो कोर्ट साबित करेगी। अच्छा आपको कौन सी पार्टी की नीति बेहतर लगती है? भैया हम तो बचपन से कांग्रेस को देख रहे थे। अच्छा चाहे कितने घोटाले, सब कहते हैं घोटाले करे मगर पब्लिक परेशान नहीं है, ये आए हैं पब्लिक तो परेशान ही है, विदेशों में घूमने से कुछ नहीं होता है। दाल अरड़ की दाल 190 रुपए किलो है, महंगाई तो बहुत हो गई, पहले कहते थे दाल रोटी खा रहे हैं तो चटनी से भी नहीं मिल रही। सही बात है चटनी से मिल रही है, नहीं हो रही है। तो जिस तरीके से महल है महंगाई को लेकर देखा जाए तो केंद्र पे केंद्र में जो है बीजेपी है और इनके साथ सांसद भी यहाँ से जीत के गए हैं, तो माहौल तो ठीक ठाक रहा इनका यहाँ से, ताज्जुब की बात है सांसद जनता ने वोट दिया है। तो 2025 में क्या आंकड़ा लगाया जाए? आपकी और कांग्रेस की मिली जुली आएगी या तो कांग्रेस की आएगी, बीजेपी यहाँ से कुछ है ही नहीं। अच्छा कांग्रेस, आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस की कौन सी नीति आपको ज्यादा प्रभावित कर रही है? प्रभावित क्या, पब्लिक तो परेशान नहीं हुई, आप भी तो 30 साल के होंगे, पब्लिक तो परेशान नहीं हुई, कितने घोटाले बता दिए इन्होंने, पब्लिक परेशान हुई? नहीं बात सही कह रहे हैं आप, तो टमाटर देख ले 120 रुपए किलो है, क्या खा लेगा मजदूर आदमी। जो फ्री वाली इनकी नीति है आम आदमी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रही है क्या? कर रही है नहीं कर रही है, अब तो डबल आ रहे हैं बिजली के बिल, 3700 बिजली कितना आया था? 6000 का हमारा, 6000 का बताओ जो डबल आ रहा है, फ्री कहाँ है? फ्री कहीं नहीं है, फ्री वाला तो अंदर बैठा है, उसको क्या मालूम
वैसे माहौल कैसा होना चाहिए अगर देखा जाए तो चुनाव को लेकर, या एक शासक को कैसा होना चाहिए? देखो जी, ये तो पब्लिक का रुझान है किस तरफ जाए। वैसे फ्री वाली नीति आपको बेहतर नहीं लग रही है कि? देखो बिजली पानी ये मजदूर वर्ग के लिए तो ठीक है, अब जो कमा रहे हैं 60,000 में महीना, 80,000 में महीना वो फ्री में यूज कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट है? आप मेरे को बताओ, आप तो फ्री मिल रही है। नहीं, हमको तो फ्री कहाँ मिल रहा है। तो वही मजदूरों को नहीं मिल रही है, मजदूर वर्ग को नहीं मिल रही है। तो अंकल जी का कहना है कि भैया देखिए, फ्री वाली नीति प्रभावित नहीं कर रही है, और जो काम करेगा, जो विकास करेगा, हमको बता भी दिए कि भैया रोड देखते ही आए हैं आप। तो जो इनका कहना है कि हमारे विधानसभा में जो कार्य करेगा उसी को वोट देंगे भैया, और उसी को जिताएंगे, वरना नहीं तो फिर वो जो है खाली हाथ लौट जाएगा। हमारे साथ में और भी अंकल जी है। अंकल जी, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, आप अभी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कुछ लोगों से और अभी हैं, बैठे हुए यही हैं। अंकल जी, क्या हाल है? अंकल जी हमारे साथ में, और अंकल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में किसको अपना विधायक चुन के विधानसभा पहुंचाते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डाक सिंह है। जिस संकल्पों के साथ में विधायक जी ने वोट लिया, जीत गए, 5 साल पूरे होने को है, 2025 में चुनाव है, क्या लगता है कि जो है कार्य हुआ या फिर जो है हवा ही रह गए? पहली बात तो यह है कि रोजगार के मामले में नील है, बिल्कुल रोजगार किसी को नहीं मिला है। रोजगार के मामले में धक्के खाते खाते मर गए हम लोग। और दूसरा, और मिनिस्टर फिर भी देखो, जितने भी मिनिस्टर बने हुए हैं, गोपाल राय गए धक्के खाकर मर गए, लेकिन उसने कोई काम नहीं करा। एक नंबर का छोटा और बेईमान आदमी है, और थोड़ा बहुत अगर किया है तो रामनिवास गोयल ने किया है। अच्छा, थोड़ा बहुत उससे बढ़िया क्या है, लेकिन बाकी कोई सब झूठ बोला है उन्होंने। फ्री वाली पॉलिसी काम नहीं आएगी 2025 में क्या भैया? नहीं देखो, मेरी बात सुनो, औरतें तो इसलिए देंगी क्योंकि मुझे तो फ्री में जाना है। अच्छा, हमारे लोग रो रहे हैं, हम लोग तो रो रहे हैं, हमारी कहाँ है बता दो, काफी लोग जिले बैठे हैं, 1% बता दो अगर आती हो तो। भैया रोजगार के लिए धक्के खा लिए, कोई रोजगार नहीं मिला अभी तक। अच्छा, नहीं मिला, बच्चे धक्के खा लिए, एमएलए करके घूम रहे थे। तो आपको किस पार्टी की नीति बेहतर लगती है? पार्टी नहीं, जो काम करे पार्टियां। तो भैया सारे देखो, बात सुनो, मेरे को कोई आदमी अभी अच्छा लगा ही नहीं है, हमने सारे देख लिए। निगम पार्षद तुम्हारा गौतम गंभीर रहा, वो भी हसी, ओम प्रकाश आया, वो भी हसी, बुद्धू राम। लेकिन अंकल जी, अभी जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें जो है इसलिए लाए, उन्होंने खड़े करे, चोर चक्के खड़े कर दिए सारे, वो थाना इधर से उधर से, कन्हैया लाल कन्हैया लाल कन्हैया लाल आगे चलाए, वो वोट जीत लिया, लेंगे वोट लेंगे, बिहार से आ रहा वोट ले रहे हैं, कौन देगा वोट उसको? है जमादार वहां कर दिया, आगे बढ़ेगा कौन देगा भाई? जनता कहीं ना कहीं बीजेपी की नीति से खुश थी, तभी जाके वोट दिया ऐसा। वो इसलिए दिया है कि कम से कम थोड़ा बहुत फेवर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत, पूरा भी नहीं, पूरा भी नहीं है। हम बैठे हैं ईपीएम, ईपीएम का पैसा अभी तक हमें ईपीएम ने आज तक नहीं हुआ, 7 साल कोर्ट में जीते हम सुप्रीम कोर्ट से, ईपीएम हमारा पैसा नहीं दे रहे, वो तो सेंटर देती है ना, क्या दे रहे भाई? तुम तो मजे ले रहे हो पार्लियामेंट में, यहाँ भी खाना भी नहीं, रहना भी नहीं, हम बैठे भूखे मार दिए इन्होंने, इनके हम बाप के नौकरी 40 साल नौकरी करी है हमने। तो वो जो फ्री वाली बातें आपने कही, उधर केजरीवाल सरकार के लोग कह रहे हैं या केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, ये 1.5 लाख की तनख्वाह लेते लेडीज है, वो फ्री चल रही है, गरीब बेचारे कौन चढ़ता है, या सब्जी ले आई या कोई वैसे ले आई, वो चढ़ गई, गरीब आदमी ने बेचारे 8,000 दिन का 6,000 दिन का लेंगे बेचारे 15-25 रुपए। पॉलिसी से आप सहमत नहीं हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं, जो गरीब आदमी है उसको दो, जोड़ के उसको दो, इसको जरूरत है उसको दो, ये नहीं माल बेकार रही है, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, 1.5 लाख तनखा ले रहे हैं, 1 लाख ले रहे हैं, फिर चलना खाना फ्री रहना फ्री, ये तो तरीका था। 2025 में प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, जो आदमी अच्छा होगा उसको वोट मिलेगा। एक चीज और है, जैसे मुखिया जी जेल में है, मंत्री भी जेल में, झूठ बोलता है ना, वो झूठ बोलता है, इसका फर्क 11 दिन में ही बैठा उसके साथ, अन्ना इधारे गया, लेकिन उसने हर कदम झूठा है उसका, एक भी आदमी 1-2% के बाद बाकी सारे ऐसे ही है। एक बार 5 साल चला लिए, 5 साल फिर पूरा होने के 4 बोली फ्री का चुनाव है, वो चली फ्री के चक्कर में आते हैं सब, तो इसका प्रभाव पड़ेगा क्या 2025 में? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, देख लेना, जो आदमी अच्छा होगा वोट उसे मिलेगी। देखो मैं बता रहा हूँ, जो आदमी अच्छा होगा वोट उसे मिलेगी,
चाहे कोई भी पार्टी का हो, देखो मैं बताऊँ धन्यवाद। तो भैया ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा का जो विधानसभा है ये सादरा था, हमने यहाँ के निवासियों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि विधायक जी कितना कार्य किए पांच साल में, पांच साल पूरा होने को है 2025 में चुनाव जनवरी में, तो लोगों का कहना है कि अभी कार्य जो है अधूरा है, सिर्फ जो है कुछ लोगों का कहना है कि कागजों में ये जो है कार्य लहरके जो है पड़ा हुआ है, तो कुछ लोगों का कहना है विकास हुआ भी है। फिलहाल देखना ये होगा कि 2025 में यहाँ से किसको विधायक चुन के जो जनता विधानसभा पहुंचाती है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ देवानंद शुक्ला, देशित न्यूज, दिल्ली।